गोरखपुर महोत्सव 2024 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। शहर के चंपा देवी पार्क में 11 से 13 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में बॉलीवुड के फेमस सिंगर वी फ्रैंक और कनिका कपूर अपने शुरू का जलवा बिखेरेंगी। तेरी मिट्टी में मिल जावा फेम वी फ्रैंक जहां 11 जनवरी की रात बॉलीवुड नाइट में शुरू की महफिल सजाएंगे, वहीं ये दुनिया पित्तल दी फेम कनिका कपूर 13 जनवरी की रात बॉलीवुड नाइट में अपने शुरू से समा बांधेंगी। वहीं 12 जनवरी को भोजपुरी नाइट में कल्पना पटवारी जहां अपनी प्रस्तुति देंगी, वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन और आराधना सिंह एंड टीम लोकगीतों की प्रस्तुति देंगी। इससे पहले अनुपमा यादव की भोजपुरी बैंड का भी आयोजन होगा। इसी दिन कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। भोजपुरी नाइट में भोजपुरी सुपरस्टार और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी अपने शुरू का जलवा बिखेरेंगे, जबकि 13 जनवरी को समापन समारोह में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सभी समस्त मीडिया बंधुओं का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्रेस फोटोग्राफर, सभी वरिष्ठ संपादकों का सबका स्वागत है। गोरखपुर महोत्सव के लेकर ये मीडिया बैठक है हमारी। हमारे साथ डीएम साहब है, कमिश्नर साहब है, कप्तान साहब है। देखा होगा रास्ते में होर्डिंग लग गई है। इस वक्त इसको बहुत महाराज जी ने हम सब लोगों को बारीकी से हर चीज बता दिया है। हम लोग प्रमोशन में, रेडियो एक्टिविटी में, टेलीविजन में, आज से मीडिया देखिए अपने पहले, हम लोग कहीं कोई त्रुटियां नहीं रहेगी, क्योंकि ये पिछले साल से 10 गुना और भव्य हो गया ये गोरखपुर महोत्सव। तो हम लोग बहुत सचेत हैं, क्योंकि भीड़ बहुत आएगी, मौसम को भी देखना है। महाराज जी ने चीजों पर ज्यादा जोर दिया था, वो ये था कि यहाँ पर लोकल विधा जो संगीत की रही लुप्त हो गई है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जो अब सुनाई नहीं देते हैं, ऐसे शहनाई बजाने वाले, ऐसे मृदंग या ऐसे छाव नृत्य के लोग हैं, या ऐसी विधा के चैती है, कजरी है, फगुआ है, होरी है, सोहर गाने वाले लोग, वो इंस्ट्रूमेंट लेके जो गांव देहात में पहले जिसके लिए भोजपुरी की धरती है, भोजपुर के लोग हैं, यहाँ पर जो हमारी मीठी बोली है, इसके एक मीठा संगीत हुआ करता था जो लुप्त हो रहा है, तो वो दोबारा से जागरूक करना, उसके लिए पूरी टीम लगी। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हम लोग इस वक्त इस गोरखपुर महोत्सव में 280 लोकल कलाकारों को पहली बार प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो बहुत बड़ा संदेशा है युवाओं में, बेटियों में, खासकर बेटों में, ये बहुत अच्छी चीज है। और ऐसी ऐसी पांचों विधानसभा से हम लोगों ने, अगल बगल के जिले से भी, ये नहीं कि गोरखपुर, अगल बगल के जिले भी जो जुड़े हुए हैं, वहां से भी सारे लोकल टैलेंट को हम लोग लेके आए हैं। तो ये गोरखपुर महोत्सव मुझे बहुत खास एक सांसद के रूप में लग रहा है। महाराज जी ने